यहाँ तक पहुँचने के लिए या तो हमको लैंड होगा। मुझे तो सिर्फ एक लिए बोलना ला ऑर्डर ना डिस्टरबेंस। गाइस टू टॉक्सिक की बकवास। आपको इस चैनल में बेसिकली देखो मैं व्लॉग बनाऊंगा सोचा था, मगर अगर डेली बेसिस में व्लॉग बना सकता हूँ तो अच्छा है। और वैसे मैंने सोचा था कि मैं व्लॉग बहुत पहले ही स्टार्ट कर दूँ, पर कंटेंट बिल्कुल भी नहीं था, हम घर में बैठ के बोर हो रहे थे। तो आज हम निकले हैं कम से कम आई गेस 3 दिन बाद और कंटेंट ही कंटेंट है अभी आपको देखने को मिले। हम आ चुके हैं संतकपुर में एंड वी स्टार्टेड आवर टूर फ्रॉम माने भंजैंग, एंड फ्रॉम माने भंजैंग टू संतकपुर इट्स 31 किलोमीटर्स। हम सोचा था हम ट्रैक करेंगे, बट हमारे साथ कुछ बुढ़े लोग भी आए थे तो हम इसलिए चल के नहीं गाड़ी से आए हैं। नॉट अ बिग डील, हम जब रिटर्न में आएंगे तब शायद तब हम ट्रैक करेंगे। मगर या ऑल्टीट्यूड आई गेस 3000 अप्रॉक्स है, क्योंकि तब हम नीचे थे, मतलब अभी तो हम पहाड़ में, ऑब्वियसली हम पहाड़ में होंगे। जब हम नीचे थे तो बोर्ड में लिखा था 2600 मीटर्स ऑल्टीट्यूड, अभी तो थोड़ी बहुत सर्दी लग रही है, होगा अप्रॉक्स 3000 ऑल्टीट्यूड। पर फिर भी इट डजेंट मैटर गाइस, हम यहाँ पे बस मजे करने आए हैं। और देखो मैं आप लोग को दिखा सकता हूँ कि हम कहाँ पे हैं। तो बेसिकली हिल एरिया में क्या होता है, पहाड़ एकदम पास होते हैं, तो अगर आप इस पहाड़ में हो तो दूसरा पहाड़ आप आराम से देख सकते हो ऐसी की तैसी वीडियो क्वालिटी, क्योंकि सस्ता फ़ोन है, क्या करें आईफोन तो है नहीं, आईफोन खरीदने की औकात भी नहीं है। तो मैं आप लोग को प्रॉपर से एक मैं आपको प्रॉपर से कुछ दिखा दूंगा कि हमने अपना ये टूर जो है कहाँ से स्टार्ट किया और कहाँ तक है हमारा टूर। इन 3, 2, 1 एंड। वैसे तो पिक्चर उतना क्लियर नहीं आ पाया, मगर आप लोग यहाँ प्रॉपर से दिखा सकता हूँ मैं। ये स्टार्ट पॉइंट में जो सिटी है हमने यहाँ से शुरू किया था, और डेस्टिनेशन हमारा थोड़ा सा वो ब्लर हो चुका है। यहाँ तक पहुँचने के लिए या तो हमको लैंड होगा। मुझे तो सिर्फ एक लिए बोली रंदन ला ऑर्डर ना पिचलो डिस्टरबेंस। वो तो वो खाली बोल ले कोने का तो सब। अरे जाओ यार, हमको व्लॉग करने दो ठीक है। वैसे क्या बोलते हैं, यहाँ तक पहुँचने के लिए आपको या तो लैंड रोवर या फिर 4x4 व्हीकल में आना पड़ेगा। अरे कुछ भी, आपको यहाँ तक पहुँचने के लिए या तो लैंड रोवर लेना पड़ेगा या फिर 4x4 व्हीकल में होना पड़ेगा। आना क्या भाई, ये क्या हो रहा है, हेलो डोंट डिस्टर्ब। या तो आपको 4x4 व्हीकल में आना पड़ेगा, क्योंकि गियर बिना वाले व्हीकल्स चढ़ नहीं पाएंगे। हम अपने जिस व्हीकल में आए थे उसमें प्रॉब्लम हुआ चढ़ने में, मतलब मजे की बात ये है जब वो मोमेंट जब था ना, जब हमारी गाड़ी हिल से नीचे रिवर्स हो गई, तब मैं सो रहा था तो तब वो शूट नहीं हो पाया, सब लोग पैनिक कर रहे थे, हम तो मस्त नींद में थे। एक दो फोटो शूट वगैरह किया हमारे इंस्टाग्राम मॉडल्स ने, जिन्हें फोटो बिल्कुल पसंद नहीं आया, जो हम मतलब मैंने तो नहीं, मेरे भैया ने खींचा, तो अभी पीछे तो आई गेस झगड़ा चल रहा है, क्योंकि फोटो अच्छा नहीं लगा उनको। बाहर में जाए हम तो इन्जॉय करना है, हम करेंगे जो हमें करना है। अभी हम सर्दी बढ़ गई है तो हम अभी लॉज में जाएंगे, तो आपको लॉज में दिखने को मिलेगा कि हम लोग मतलब अभी आपको लॉज में देखने को मिलेगा बाकी की वीडियो, क्योंकि सर्दी से मेरा भी बुरा हाल हो चुका है। मैं वैसे ही तो बीमार था आने से पहले, बट देखो एक्साइटमेंट से हर कोई ठीक हो जाता है ठीक है, बीमार सब भाग जाता है। तो अभी तो हम आ रहे, आपको लॉज में मिलते हैं, बाय। जर्नी फ्रॉम ऑल द वे डाउन फ्रॉम देयर, जैसे आप लोग थोड़े बहुत घर वगैरह दिख रहे हैं वो बस थोड़ा सा साइड है, पहाड़ के पिछवाड़े में पूरा एक सिटी है, हमने वहीं से स्टार्ट किया है। ये जो पहाड़ कैमरा के सामने है इसके पिछवाड़े से हमने जर्नी स्टार्ट किया है, और फ्रॉम ऑल द वे अप ये पिद्दी सा रोड से हम यहाँ तक आए। और ये छोटा सा एक जगह पे आई गेस वो एक होटल है या फिर रेस्टोरेंट जो भी है, हम वहाँ पे थोड़ा सा रेस्ट कर रहे हैं। तो मैंने सोचा थोड़ा सा सेक्सी सा व्यू ले लूँ फोटोज़ के लिए, ऐसे लेते लेते फिर मैंने सोचा थोड़ा रिकॉर्ड भी कर लिया जाए। तो दिस इज़ द कॉरिडोर ऑफ द लॉज, हमारा रूम यहाँ पे है, 3 बेड है, डबल पार्टीशन वाला रूम।
सर्दी नहीं होगा। ये हमारे एक दो मेंबर्स जिनके साथ हम आए हैं यहाँ पे बाथरूम में, यहाँ पे बाथरूम में ये बेड से अच्छे यहाँ पे ड्राइवर सोएंगे, बाकी के दो बेड हम लोग शेयर करेंगे। सर्दी हेलो और एक शांति, सर्दी में हम लोग साथ में एकदम कंजेस्टेड सोएंगे तो इट्स बेटर। थोड़ा स्पेशल दिन है आज, हमारे एक बहुत ही स्पेशल पर्सन का बर्थडे भी है, जिनका बर्थडे है मिस बिपना गुरु। मेरो व्लॉग मेरो मर्जी, तपाईँलाई कस्तो लाग्दैछ? खुसी लागेको छ यस्तो माथि आएर बर्थडे गर्नु पाउँदा। यहाँ तक देख ले तो डू हिट द लाइक बटन, और आपको मेरे व्लॉग्स वैसे डेली बेसिस में देखना है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और मुझे पता है शायद आपको कोई डिसअपॉइंटमेंट फील हो सकती है मेरे पहले व्लॉग से, क्योंकि ऑफ कोर्स मुझे एकदम आइडिया नहीं है, मेरे को खुद ही डिसअपॉइंटमेंट फील हुआ है, और इसे मैं व्लॉग भी नहीं कर सकता, बहुत छोटा वीडियो है, तो बस यही कहना चाहता हूँ। पर यार आई विल ट्राई टू मेक माई व्लॉग्स वेरी बेस्ट, और मैं इंस्पायर्ड हूँ हमारे हैशटैग K18 केतन भैया से, कि मैं उनके व्लॉग्स को बहुत पहले से देख रहा था, फिर मैंने भी सोचा अभी फ्री तो हूँ तो अभी व्लॉग्स बना ही लेता हूँ, तो अभी यहाँ सर्दी भी बहुत है लॉज में, भाई बताओ भाई अभी लॉज में बहुत सर्दी है, तो बस यही कहना था। बाय, टेक केयर, बाय। और यार लॉकडाउन ख़त्म हो गया पर कोरोना नहीं, मास्क इज़ इम्पॉर्टेंट, हालांकि मैंने पहना नहीं है क्योंकि अरे रुको ज़रा आउटर तो देना तो यार, इसमें भी डिस्टर्बेंस। हाँ तो मास्क पहनना जरूरी है, मैं यही कहना था, और मैं मास्क पहनता हूँ, ठीक है मैं मास्क पहनता हूँ, मैं बस जब बोल रहा था मैं मास्क निकाल देता हूँ, ऐसा नहीं कि मैं मास्क नहीं पहनता, नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मैं मास्क पहनता हूँ। अरे यार बताओ, मैं मास्क पहनता हूँ, तो बस यही कहना था। और हमारा गेमिंग चैनल भी है, आप अगर वहाँ पे जाना है तो चेकआउट कीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक वहाँ पे दे दिया है। हमारे आई गेस वहाँ पे 304 सब्सक्राइबर्स है, रिस्पॉन्स अच्छा खासा है, हम वीडियोस डेली बेसिस डालते, पर अभी तो हमारा ब्रेक चल रहा है बिकॉज ऑफ फेस्टिव सीजन, तो बस ये कहना था, बाय।